हमारे रघुवीर जिंद जी को बनाया गया, जरा जोरदार ताली मारो, इनको भुक्के देकर सम्मानित करेंगे। और उसके बाद संघ जो है बबलू जी हैं, पंकज भंडारी जी, विजय जी, पंकज भंडारी जी को भुक्के देकर सम्मानित करेंगे। जोरदार ताली मारो जरा। हमारे तीसरे संरक्षक है भजन जी, मैं संजू जी से आग्रह करूंगा भजन जी को भुक्का देकर सम्मानित करें। हमारे वाइस प्रेसिडेंट के नाम में भी पढ़ रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट दिनेश जी, दिनेश फुटबेल वाले, मैं मंच सिंह जी को आग्रह करूंगा दिनेश जी को भुक्का देकर सम्मानित करें। दूसरे वाइस प्रेसिडेंट कपिल अग्रवाल जी, संजू जी से आग्रह करूंगा कपिल जी को सम्मानित करें। कपिल जी, तीसरे वाइस प्रेसिडेंट है सतीश कौशल जी, मैं अब जय जिंदर जी जो हस्ते जी को भुक्के देकर सम्मानित करेंगे। चौथे वाइस प्रेसिडेंट है बेन सिंह जी, मैं मदन जी से आग्रह करूंगा बेन जी को भुक्का देकर सम्मानित करें। व्यापार मंडल के संगठन का कार्य संगठन मंत्री के बिना नहीं होता है। हमारे सीनियर संगठन मंत्री हैं राजेश अग्रवाल भोलू जी, मैं मान सिंह जी से आग्रह करूंगा इनको मुक्का देकर सम्मानित करें। हमारे दूसरे संगठन मंत्री है गुरप्रीत सिंह गब्बर जी, मैं सुरजीत जी से आग्रह करूंगा गब्बर जी को मुक्का देकर सम्मानित करें। जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट संगठन में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण होती है, कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये प्रधान पद से भी ऊपर होती है। हम जनरल सेक्रेटरी की पद के लिए सुशील जी, मैं जितेंद्र जी से आग्रह करूंगा सुशील जी को भत्ता देकर सम्मानित करें। सेक्रेटरी के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी का नंबर आता है, पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी है केवल कृष्ण जी, अभी आई नहीं कोई बात नहीं, सुरेंद्र कौशल जी, मैं स्पीच से आग्रह करूंगा सुरेंद्र जी को सम्मानित करें। यशपाल गर्ग जी, मैं सुभाष गर्ग जी से आग्रह करूंगा यशपाल जी को सम्मानित करें। हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं चौथे बॉबी जी, चंद्रकायल जी यहाँ मौजूद है क्या, ये आपको बताते हैं इन्होंने व्यापार मंडल को 20x20 का एक ऑफिस देने का वायदा भी किया है, वो है नहीं, उनके लिए तालियां बजाओ। व्यापार मंडल के सेक्रेटरी पहले की तरह सुभाष गर्ग जी होंगे, मैं चौधरी मदनलाल जी से आग्रह करूंगा सुभाष जी को सम्मानित करें।
ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मामचंद जी, मैं भाव सिंह जी से आग्रह करूंगा मामचंद जी को सम्मानित करें। मीडिया प्रभारी हैं अंकुश कौशल जी, अंकुश या नहीं है कोई बात नहीं। हमारे आईटी सेल हेड हैं सचिन बैंसल जी और ओम शर्मा जी, जो नवनी के प्रधान है मान सिंह जी, हमारे संसद विजय जी, वाइस प्रेसिडेंट स्टेज जी अंकित भंडारी जी, बेन सिंह जी और दिनेश जी और जितने भी कार्यकारण के जो यहाँ पर पदाधिकारी व कार्यकारी सदस्य चुने गए हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से और व्यापार मंडल की तरफ से जो है बधाई देना चाहूँगा और आप सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि आप सब मिलकर के जो है आपका जो व्यापार मंडल है क्योंकि जो भी समस्याएं हैं उनको समय समय पर जो है बताते रहेंगे और उनका निराकरण जो है वो करते रहेंगे। और मैं आपको जो है जो भी पीछे हमारा विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें आप सब ने जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया और छोटे भाई राम कुमार जी को जो यहाँ से भारी मतों से जो है विजयी बनाया आप लोगों ने, इसके लिए भी मैं आप सबका जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और चौधरी परिवार की तरफ से विशेष रूप से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सबको नव वर्ष की और लोहड़ी की जो है वो शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि नया वर्ष जो है आप सबके लिए खुशियाँ लेकर के आए, तरक्कियाँ लेकर के आए, आप सभी के परिवार जो है खुशहाल रहे। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि इतने व्यापारी हैं सभी लोग मिलकर के जो भी आपकी छोटी मोटी समस्या अगर हमारे सरकार के करने की कोई चीज़ होगी तो आप लग जो आपके स्थानीय सीपीएस साहब हैं आपके विधायक हैं राम कुमार जी तो उनको मंत्रिमंडल में जो सीपीएस बनाया गया है तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी जो है वो धन्यवाद करना चाहेंगे। एक बार आप सब जो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नाम से जोरदार ताली बजाएंगे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जो है बहुत ही कर्मठ हैं और कार्य करने की क्षमता रखते हैं और मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद जो कार्य किया है क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है लगभग 6000 बच्चे ऐसे हैं जैसे कुछ अपंग हैं या बेसहारा हैं या जिनकी आंखें नहीं ब्लाइंड हैं तो उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जो है 101 करोड़ रुपये का जो है बजट का प्रावधानों के लिए किया है, इसके लिए आप जोरदार तालियां जो है हमारे लिए। और इसके बाद जो है आज हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार की जो है कैबिनेट की पहली बैठक जो है होने जा रही है और उसमें भी बहुत अहम फैसले जो है वो होंगे। जिस प्रकार ओपीएस जो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के अंदर लोगों से वायदे किए थे उनको एक एक करके जो है हमारी सरकार जो है पूरा करेगी। एक बार फिर से जितने भी आपके व्यापार मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता संसद के लिए हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा और आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हिमाचल। पूर्व नगर परिषद अब विजय बिंदर जी, संजीव कौशल, संजीव जी, संजू जी, श्री बी बी एन आई डी प्रोजेक्ट, पूर्व चेयरमैन भरत सिंह जी, अजितेश चौधरी, बबलू भंडारी जी, मान सिंह जो अब नवनियुक्त प्रधान नियुक्त हुए हैं इनको भी प्रधानमंत्री बहुत बहुत बधाई देता हूँ और व्यंत ठाकुर जी, दिनेश कौशल जी और जितनी भी कार्यकारिणी बनी है आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और लोहड़ी के पवन त्यौहार के अवसर पर आपको ये तोहफा मिला है इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपका धन्यवाद। बाकी जो भी हमारा सहयोग है होगा हम आपके साथ बस करके देंगे, जहाँ भी हमारी जरूरत है हम विभाग मंडल के साथ खड़े हैं दिन रात, जब भी आपको कोई जरूरत होगी तो हमें जरूर संपर्क करें। धन्यवाद। हमारे बड़े भाई प्रवीण कौशल जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको सबसे पहले सम्मान देता हूँ और उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने हमारे लिए व्यापार मंडल में बहुत ज़्यादा काम करके गए और आज के मुख्य अतिथि हमारे आज के प्रोग्राम के चौधरी मदन लाल जी, सुरजीत जी और अन्य व्यक्तिगण सारे माना सारे पदाधिकारी सबको मैं यहाँ पे आने पर इनका
ग्राहियों से स्वागत करता हूँ और जो मेरे को आज इन्होंने प्रधान पद का पद दिया है मैं इसके खड़ा उतरूँगा, व्यापारियों के हित में उतरूँगा। कोई भी सभी तकरीबन तो सभी व्यापारियों के पास मेरा मोबाइल नंबर है, 24 घंटे मेरा मोबाइल नंबर खुला रहता है, ये तो सबको ही पता है। किसी को भी रात को दिन को कोई दिक्कत है उसके लिए मैं जान हाजिर करता हूँ वहाँ पर, जहाँ पर भी मेरे को मतलब जो भी है, जो छुट्टी का दिक्कत आई है और रेडी फड़ी की दिक्कत है, इसकी सारी बैठ के जो हमारी आगे कार्यकारिणी में सदस्य चुने जाएंगे, सब वार्ड वाइज जहाँ हर वार्ड से हर दुकानदारों से जहाँ जहाँ दुकान है हर बंदा उसमें कार्यकारिणी में लिया जाएगा, बैठ के हर महीने हमारी एक मीटिंग होगी, मीटिंग में सारे मुद्दे होंगे और किसी ने पर्सनल की जो मुद्दा है वो मेरे को आ सकता है और जितने भी दिक्कतें हैं रेडी फड़ी की बाहर से टैक्सी वालों की और भी कई कोई दुकानदार को तंग करता है, किसी भी रूमे को तंग करता है, कोई नजायज़ पर्ची काटने वाले आते हैं, किसी ने नजायज़ कोई पर्ची नहीं कटानी है उसकी पहले मार्केट में मीटिंग होएगी कि कौन कितनी ज़बरदस्तियाँ पर्ची काटने वाले आते हैं, वो भी हम बैठ के सारी बात करेंगे और जो मेरे को आज कार्यभार संभाला गया मैं उसको खड़ा उतरूँगा। धन्यवाद।